दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है जस्टिस धर्मवीर। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे धर्मेंद्र, अनिल कपूर, जया प्रदा, श्रीदेवी, तनुजा, आसिफ शेख, कादिर खान, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और असरानी। इसके अलावा इस फिल्म को म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने और इस फिल्म के डायरेक्टर थे के बपैया। अब बात करें इस एक्साइटिंग फिल्म से जुड़े दिलचस्प कास्ट और उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो जस्टिस धर्मवीर स्टार कास्ट के मामले में काफ़ी आइकॉनिक फिल्म होने वाली थी, जहां एक तरफ धर्मेंद्र और अनिल कपूर की दमदार पेयरिंग मास ऑडियंस को बेहद अट्रैक्ट कर सकती थी, तो वहीं साथ ही साथ अनिल कपूर और श्रीदेवी और धर्मेंद्र और जया प्रदा का कपल भी इस फिल्म को काफ़ी ग्रिपिंग स्क्रीन प्रेजेंस दे सकता था। और रही बात इस फिल्म के टाइटल एनालिसिस की, तो जस्टिस धर्मवीर लीगल थ्रिलर होने के साथ साथ सोशल एंगल को भी एड्रेस कर सकती थी, जो बिजनेस वाइज भी काफ़ी हाई पोटेंशियल रखती थी। और देखा जाए तो ये बात है साल 1988 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, और उसी साल ही इस फिल्म की शूटिंग का भी आगाज़ कर दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 से 40% तक शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ये फिल्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पूरी कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी और इसे बीच में ही बंद कर दिया गया था। और ऐसे बॉलीवुड फैंस एक पोटेंशियल एक्शन फिल्म से महरूम रह गए। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि धर्मेंद्र और अनिल कपूर की ये जस्टिस धर्मवीर मूवी अगर उस टाइम पे पूरी कंप्लीट होके रिलीज़ हो जाती तो बॉक्स ऑफिस पे कितना कलेक्शन करती? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।